यूपीएससी एग्जाम जैसे सीडीएस, एनडीए, एफकेट और अदर एग्जाम जैसे सीजीएल, आईआईटी, बैंकिंग, वीटेक, इन सब की मोटी पकड़ होती है हमारी वोकैब। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप इन एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। अगर आपकी नहीं होती तो आप इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए थोड़ा आपको मुश्किल पड़ जाता है। तो आप अपनी वोकैब को सुधारने के लिए आप अपने गाइडर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे हमारी वोकैब बहुत अच्छी हो जाए। तो वह आपको सजेस्ट करते हैं कि आप वर्ल्ड पावर मेक इजी को पढ़ लें। यह पढ़ने के बाद आपकी वोकैब तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काफ़ी सुधार मिलेगा। क्या यही बात है इस वोकैब बुक में? यही हम एक्सप्लेन करेंगे अपनी वीडियो में। क्या इसका कंटेंट वाकई में ही इतना अच्छा है कि लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक यह जानने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस रेड कलर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें ताकि हमें मौका मिले आपके साथ जुड़ने का, और इस ब्लैक कलर के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। चलिए शुरू करते हैं आज का नॉलेजबल बुक रिव्यू वीडियो। बुक इन्फॉर्मेशन, दोस्तों बुक का नाम जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस बुक का नाम है वर्ल्ड पावर मेक इजी। इसे लिखा गया है नॉर्मन लिविउस के द्वारा। दोस्तों इस बुक का जितना भी कंटेंट है लेखक ने मात्र 686 पेजेस में कवर किया है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं और अपनी वोकैब को सुधारना चाहते हैं तो यह बुक आपको मात्र 136 रुपये में मिल जाती है। और दोस्तों यह पूरी बुक इंग्लिश में लिखी गई है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है फिर भी आप इस बुक को पढ़ पाएंगे क्योंकि इसकी इंग्लिश जो है वह इतनी टफ नहीं है। अब आते हैं हम इस बुक के मेन कंटेंट पर। जैसे कि आपके गाइडर ने आपको बताया होगा कि आप वर्ल्ड पावर में किसी को पढ़ लो तो आपकी वोकैब काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों यह बात कितनी सही है और कितनी गलत, यह मैं आपको अपनी वीडियो में एक्सप्लेन तरीके से बताऊंगा। जैसे ही आप इस बुक को खोलते हैं तो सबसे पहले जो आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं वोकैब से रिलेटिव, तो ऑथर यह जानना चाहते हैं कि जो रीडर है इस बुक को पढ़ने वाला उसकी वोकैब कितनी अच्छी है। अगर आप उन 60 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन दीजिएगा, क्योंकि आप उसके अंदर जो वोकैब के क्वेश्चन होते हैं वह बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। अगर आपने उसमें से 10 भी सॉल्व कर लिए तो आपकी वोकैब अच्छी है और आपको यह बुक पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं हम इस बुक के अंदर के कंटेंट के बारे में। दोस्तों अगर आप अपनी सिर्फ वोकैब को ही सुधारना चाहते हैं तब आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसको बुक को पढ़ लीजिए। साथ ही साथ आपको यह बुक और ज़्यादा ज्ञान भी देती है, जैसे कि इसमें आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज और स्पीकिंग इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। और आपको इसमें डॉक्टर्स के बारे में भी ज्ञान दिया गया है कि कौन सा डॉक्टर किस प्रकार से काम करता है और उसकी स्पीकिंग लैंग्वेज और राइटिंग लैंग्वेज किस तरह से क्यों अलग अलग होती है। दोस्तों यह बुक आपको वोकैब के साथ साथ बहुत सारी अन्य नॉलेज के साथ भी मिलती है। तो मेरा सजेशन यह है कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें क्योंकि यह बुक आपको वोकैब के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देती है। इस बुक का 19वां चैप्टर हाउ टू वोकैब बिल्डिंग वोकैबरी, दोस्तों यह चैप्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग चैप्टर लगा क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली तरीके से वोकैब के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि वोकैब होता क्या है और इसका हिंदी मीनिंग होता क्या है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो ऑब्वियसली आप वोकैब पढ़ने के साथ साथ आप इसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से इस पूरी बुक को रीड करेंगे। वोकैब का हिंदी मीनिंग होता है शब्दावली, शब्दकोश, शब्द भंडार और शब्द संग्रह। इन सारे शब्दों का एक ही मतलब है कि वोकैब को हम वो कहते हैं जो इंग्लिश के सारे शब्दों यानी सारे वर्डों को कवर करती है। तो अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आपकी ऑब्वियसली इंग्लिश भी अच्छी। और बात करें हम इस बुक के राइटिंग स्टाइल की तो इसका राइटिंग स्टाइल भी काफ़ी अच्छी तरह से दिया गया है। बस आपको कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत मिस्टेक देखने के लिए मिलेगी। वह मिस्टेक यह है कि इसके जो पेपर है वह ज्वाइनिंग तरीके से दिए गए हैं जिन्हें आपको खोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, पर कोई बात नहीं, ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत तो चलती ही है। अब बात करें हम इस बुक के एंडिंग की तो इसकी एंडिंग इतनी अच्छी तरह से रखी गई है कि जब आप इस बुक को पूरे 2 महीने के अंदर कवर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि इस पूरी बुक को आप लगातार मत पढ़िएगा। अगर आप इसे लगातार पढ़ेंगे तो आपकी वोकैब तो इम्प्रूव थोड़ी थोड़ी मतलब उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को लगातार करते जाते हैं तो उसमें आपकी दिलचस्पी कम होती जाती है। तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप इस बुक को एक
60 दिन का टारगेट बना लीजिए, जिसमें आपको एक दिन में मात्र 2 घंटे ही पढ़ना है, जिससे आपकी वोकैब काफी अच्छी तरह से इंप्रूव। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा बुक रिव्यू वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि इस वीडियो में आपको जो भी कमी लगी हो वॉइस से रिलेटेड या फिर वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट करें ताकि हम अपनी आने वाली वीडियोज में उन कमियों को सुधार सकें। और दोस्तों, साथ ही साथ जाने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस रेड कलर सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमें मौका मिले आपके साथ जुड़ने का, और इस ब्लैक कलर के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दें, क्योंकि यह वीडियो था एक नॉलेजबल वीडियो। हम अपने इस चैनल पर बुक रिलेटेड वीडियोस ही डालते हैं, जैसे कि लव स्टोरी बुक रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड या फिर कोई भी उपन्यास नॉवल, हम हर तरह की बुक का रिव्यू अपने चैनल पर करते हैं। अगर आपके दोस्त भी बुक रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उन्हें हमारी इन वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल का लिंक भी उन तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके इस बुक के बारे में। हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर ऑल व्यूअर्स, थैंक्स फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर, बाय।